दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। आज श्री संत गजानन महाराज का 144वां प्रगट दिन है और यह प्रगट दिन महाराष्ट्र में ही नहीं देश विदेशों में पूजा अर्चना कर आज मनाया जा रहा है। इस वर्ष की खासियत यह है कि कई वर्षों के अंतराल के बाद श्री के प्रगट होने की तारीख एवं तिथि एक ही दिन आई है। विश्लेषकों का मानना यह है कि ऐसा संयोग कुछ वर्षों बाद जुड़कर आया है। हिबरखेड़ के राजेश अग्रवाल अपनी पत्नी वंदना के साथ सोमवार को अकोला से देर रात हिबरखेड़ लौटते समय परसोद फाटे के समीप सामने से आ रहे वाहन के हेडलाइट की तेज रोशनी राजेश अग्रवाल की आंखों पर पड़ी। नतीजतन उनका वाहन पर से नियंत्रण छूट गया और दुर्घटना हो गई। इस हादसे में उनकी पत्नी वंदना अग्रवाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजेश अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हुए। तेल एवं तिलहन बीज के भंडार पर मर्यादा लगाई गई है, उसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तेल की कीमतों का स्थिर रखने के लिए केंद्र सरकार ने तेल तथा तिलहन बीज के भंडारण पर मर्यादा लगाई है। यह मर्यादा 30 जून तक लागू रहेगी। अकोला महानगरपालिक चुनाव 2022 के तहत प्रकाशित किए गए प्रारूप प्रभाग रचना के बारे में कुल 87 आपत्तियां एवं सूचनाएं प्राप्त हुई थी। इन आपत्तियों पर राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर 22 फरवरी को सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में सुनवाई हुई। इस अवसर पर प्राधिकृत अधिकारी के रूप में जी श्रीकांत उपस्थित थे। जिले में जिस तरह कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, किंतु म्यूकोमाइकोसिस बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कोविड-19 संक्रमित होने के बाद म्यूकोमाइकोसिस के ग्रस्त मरीज पाए जा रहे हैं। विगत 22 दिनों में म्यूकोमाइकोसिस 5 लोग ग्रस्त होने की जानकारी मिली है, जिनमें से इलाज के बाद एक मरीज को मंगलवार को डिस्चार्ज दे दिया गया। शहर के खदान परिसर में सोफा कुशन के कबाड़ में आग लग गई। सायंकाल लगभग 5 बजे के दौरान यह घटना घटी। कबाड़ में लगी आग की लपटों को देखकर घटनास्थल पर तमाशबिनों की भीड़ लग गई थी। इस दौरान आग लगे कबाड़ के समीप ही ईंधन से भरा हुआ एक टैंकर खड़ा था, जिसे चालक ने तत्काल मौके से हटा दिया। जिले की 4 नगर पालिकाओं का प्रभाग रचना कार्यक्रम घोषित। सन 2011 की जनगणना के अनुसार यह निर्वाचन प्रक्रिया करवाई जाएगी। इस संदर्भ में अकोला जिले की बस श्रेणी वाली अकोट नगर पालिका, बालापुर नगर पालिका तथा मूर्तिजापुर नगर पालिका, इन तीनों का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 खत्म हो चुका है। इन पालिकाओं में अप्रैल या मई माह में चुनाव होने के संकेत हैं। राशन कार्ड धारकों के मामले काफी दिनों से प्रलंबित हैं। इस बात को गंभीरता से लेते हुए पालक मंत्री ने जिलाधीश को इन मामलों का निपटारा करने के आदेश दिए। जिलाधीश के निर्देश पर 25 फरवरी से राशन कार्ड धारकों की समस्या को हल करने के लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही है। मंगलवार को विशेष पुलिस दल को गुप्त जानकारी मिली कि बारशिटाकली तहसील के ग्राम कोतली में पानी के टंकी के समीप जुआ खेला जा रहा है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल व उनकी टीम ने छापा मार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 4 लोग को पुलिस ने जुआ खेलते पकड़ा। डाबकी रोड पुलिस थाने की सीमा से गोवंशों की धुलाई हो रही है। यह जानकारी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस निरीक्षक शिरीष खंडारे ने अपने दल के साथ गोवंश को ले जाते हुए एक वाहन को रोका और जांच की, जिसमें 2 गोवंश ले जाए जाते हुए नजर आए। पुलिस ने संबंधित पर कार्रवाई कर वाहन जब्त कर लिया और गोवंश की जान बचा ली। दिव्य हिंदी न्यूज। हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।